और एक इंटरेस्टिंग बात, जो वो बैटिंग कर रही है वो लड़की लड़की है, लड़का नहीं है। तो ये भी थोड़ा सा मुझे लगा इंटरेस्टिंग कि थाईलैंड में वो भी क्रिकेट और बैटिंग कर रही, वो भी लड़की। वाह। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज है मेरा दूसरा दिन चियांग माई में एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही मज़े में हो और आप लोग बहुत ही मज़े कर रहे होंगे। तो आज है मेरा तीसरा दिन, दूसरा दिन। कल मैं वाइट टेंपल के ट्रिप से आया था, जो कि एक फैंटास्टिक एक्सपीरियंस था। तो आज मैं चियांग माई सिटी को एक्सप्लोर करने वाला हूँ और आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि यहाँ का जो चियांग माई की सिटी है वो कैसी दिखती है। जैसे मैंने मेरे यहाँ पे 2 दिन हो गया, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता सकता हूँ कि अगर आप चियांग माई में बात करें या बैंकॉक में किसी भी जगह की बात करें, तो आपको जगह जगह पे टेंपल मिल जाएंगे, बुद्धिस्ट टेंपल मिल जाएंगे। तो अभी मैं चियांग माई की सिटी को एक्सप्लोर करने वाला हूँ और मुझे जो जो इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, जो जो दिखाने वाली चीज़ें लगेंगी, मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मेरा जो गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस से 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पे मेन रोड है। मेन रोड के बाद सारे जो मेन जगह हैं वहाँ से मैं जा सकता हूँ। तो देखते हैं कि पहला क्या दिखाने को मिलता है आप लोगों को और क्या क्या एक्सपीरियंस होता है। कीप वॉचिंग। तो उस कारण से आज मौसम बहुत ही कूल है, धूप भी नहीं है, छाव जैसी है और मौसम उतनी गर्मी भी नहीं है। अगर मैं यहाँ चियांग माई की या थाईलैंड की मैं ट्रैफिक सेंस की बात करूँ तो वो बहुत ही अच्छी है। अगर आप एक दूसरे से दूसरे साइड में क्रॉस करते हैं तो जो दूसरी साइड से जो गाड़ी आ रही है ना, आपको देख के वो रुक जाएंगी। ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा यहाँ पे कि अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो वो चाहे कितनों भी स्पीड में आ रही है, वो आपके लिए रुक जाएंगी ताकि आप रोड को क्रॉस कर पाओ। ये बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी है कि यहाँ पे जो शीशे लगे हुए हैं गाड़ियों के, उसमें ब्लैक शीशे हैं। हर गाड़ी में ब्लैक शीशे हैं, बड़े हो छोटे हो, हर गाड़ी में ब्लैक शीशे हैं। जैसे हम लोग के इंडिया में ब्लैक शीशे अलाउड नहीं है, बट यहाँ पे हर गाड़ी में ब्लैक शीशे लगे हुए हैं। जो आप मेरे पीछे गेट देख रहे हैं, इसका नाम है थापे गेट और ये अभी भी एक अंश पड़ा हुआ है, जो कि यहाँ जो प्रोटेक्ट करते थे जब चियांग माई को पुराने ज़माने में, सेंचुरीज में जब ये प्रोटेक्ट, तो ये अंश बचा हुआ जो ये गेट है जिसका नाम है थापे गेट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे पिजन को दाना खिला रहे हैं, पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। अगर आपको खिलाना है तो आपको ख़रीदना पड़ेगा। ऐसे प्यारी प्यारे सी जगह है, या छोटी सी अंश बचा हुआ दीवारों की जो प्रोटेक्ट करते हैं, वो छोटा सा ही बचा हुआ है, बट
प्यारा है। अगर मैं चियांग माई सिटी की बात करूं, तो यहां का पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना अच्छा नहीं है। अगर आपको एक दूसरे से दूसरे जगह जाना होगा तो आपको या तो टुक टुक लेना पड़ेगा, या तो सबसे बेस्ट वे है अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है तो आप यहां पे बाइक रेंट कर सकते हैं, या तो साइकिल भी हायर कर सकते हैं, साइकिल भी आपको मिल जाएंगी। और अगर आप बाइक हायर करते हैं तो बाइक आपको 200 पर डे के हिसाब से 200 सीसी वाली आपको आराम से मिल जाएगी। नहीं तो आप टुक टुक यूज करें एक दूसरे से दूसरे जगह जाने के लिए, क्योंकि चियांग माई का पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना अच्छा नहीं है। मुझे हार्डली, जैसे मैं वॉक करता हूँ तो हार्डली मुझे एक दो बसें दिखती है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। बाकी ये जो दो तरह के टुक टुक हैं, पहला ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये रेड वाली इस तरह के टुक टुक, और एक हैं। तो आप अगर यहाँ पे आते हैं तो अपने अकॉर्डिंग प्लान बना सकते हैं, आप टुक टुक ले सकते हैं, नहीं तो आप साइकिल या मोटर बाइक हायर करके सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत, हर कोने में मंदिर है, टेंपल है, हर कोने में बुद्धिस्ट टेंपल है यहाँ पे। तो मुझे तो मौसम अच्छा है तो मुझे तो वॉक करने में मज़ा आ रहा है, मुझे तो वॉक करने में पसंद है। वॉक करो, सेहत बनाओ, पैसे बचाओ और सारे जगह को एक्सप्लोर करो। अभी मुझे भूख लगी थी घूमते घूमते, तो मुझे एक KFC दिखा तो वहीं पे बैठ गया। और ये जो मैंने ऑर्डर किया है इसका मुझे कॉस्ट पड़ा है 97 का। तो अभी बहुत कस के भूख लग रही है तो मैं पहले खाता हूँ, उसके बाद फिर चियांग माई को एक्सप्लोर करें। जहाँ पे मैंने KFC में मैंने लंच किया वहीं पे ये एक बहुत ही प्यारा सा मॉल है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, ज़्यादा 3 फ्लोर का है, छोटा छोटा जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, और बहुत ही सुंदर है। अभी मैं यहाँ पे टॉप फ्लोर पे हूँ। टॉप फ्लोर पे मुझे कुछ क्लासेस दिख गए हैं इंग्लिश लर्निंग के लिए, थाई लैंग्वेज के लिए। अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा है। ये जो जगह है ये प्रॉपर जहाँ पे नाइट मार्केट लगती है वहीं के उसी के बगल में ही है। ये सुंदर है, प्यारा है। अब कुछ दिखाता हूँ कि सामान के अगर रेट दिख पाएँ
तो फिर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे मैंने टिकट का पता किया है तो टिकट का जो प्राइस है वो अडल्ट के लिए है 400 बात और जो चिल्ड्रन है उसके लिए 250 बात। और यहाँ पे ये खुलने का टाइम है सुबह 9 बजे से लेके रात को 8:30 बजे तक। मैं आर्ट इन पैराडाइज के अंदर नहीं गया क्योंकि मुझे नहीं लगा कि ये वर्थ विजिट है। 400 बात मतलब इंडियन करेंसी में लगभग 850 रुपये सही नहीं था तो मैंने उसको स्किप कर दिया। अब और चियांग माई को एक्सप्लोर करता हूँ और अगर कुछ इंटरेस्टिंग बातें चीज़ें पता चलती है तो फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पर ऐसे सिटी बहुत क्लीन है, बहुत साफ़ सुथरी है। मैं अभी हूँ थ्री किंग्स मॉन्यूमेंट में जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये तीनों किंग वो है जो चियांग माई सिटी की जिसने स्थापना की थी। और इन तीनों का नाम अगर मैं देख के बताऊं तो पहला किंग का नाम है राम कैम होंग, दूसरा है किंग नगुम और तीसरा है सुखोतोई। तो ये तीन जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये मॉन्यूमेंट है थ्री किंग्स का जिन्होंने चियांग माई सिटी की स्थापना की थी। ये जो यहाँ पे थ्री किंग्स मॉन्यूमेंट है ये यहाँ पे किंग का जो बर्थ प्लेस है यहीं पे ये स्थापित है। अगर मैं तीनों किंग के नाम की बात बताऊं, जैसे मैंने पहले नाम बताया तो शायद मैंने एक किंग का नाम गलत मैंने बता दिया था। पहला किंग का नाम है मैंग राई, पहला है। दूसरा है राम खैम्योंग और तीसरा है नगम्योंग। ये तीनों किंग हैं यहाँ जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये तीनों किंग की यहाँ पे मॉन्यूमेंट है और ये तीनों किंग वो किंग है जो चियांग माई की जिसने खोज की थी, जिसने स्थापना की थी इस सिटी की। तो इसीलिए ये यहाँ पे एक उनका प्रतीक बनाया गया है उन तीनों किंग की यादगार के लिए। ऐसा अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इसी के पीछे जो आप मेरी बिल्डिंग देख रहे हैं ये है चियांग माई आर्ट एंड थाई कल्चर आई थिंक। चियांग माई का बहुत ही फेमस मार्केट है और ये जो मार्केट है ये है होलसेल मार्केट। तो अगर आपको थोक में अगर सामान खरीदना है तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं, वारोट मार्केट।
ऐसे यहाँ पर कुछ मुझे अभी इंटरेस्टिंग खाने की चीज़ें दिखाई पड़ी, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि वो क्या है। नाम याद रखें, वारूट मार्केट। घूमते घूमते ऐसी जगह पे आ गया जहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे, तो मैं सोचा मैं भी ट्राई करता हूँ। तो मैंने दो तीन बॉल करी, फिर तो हालत ख़राब हो गई क्योंकि बहुत दिन के बाद मैं बॉलिंग कर रहा हूँ। तो खेलता हूँ थोड़ा देर और उसके बाद फिर चलूँगा। बहुत मेमोरी ताज़ा हो गई खेल के। इंटरेस्टिंग बात, जो वो बैटिंग कर रही है वो लड़की है, लड़का नहीं है। तो ये भी थोड़ा सा मुझे लगा इंटरेस्टिंग कि थाईलैंड में वो भी क्रिकेट और बैटिंग कर रही वो भी लड़की। वाह, ये जो जगह है, इस जगह का नाम है चियांग माई जिम खाना। तो ये एक तरह से क्लब है, यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया वहाँ पर क्रिकेट। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे गोल्फ खेलते हैं, यहाँ पे टेनिस है, बहुत सारी स्पोर्ट्स यहाँ पे खेल सकते हैं। तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली अंदर आने के लिए, बहुत अच्छा लगा। जैसे ही वो क्लब से निकला, बारिश स्टार्ट हो गई है और बचने के लिए मैं एक पुल का सहारा ले रहा हूँ। जैसे कि आप मेरे नीचे देख रहे हैं, नदी है इस साइड में, नदी है, थोड़ा भींग भी गया मैं। पुल ने बचा लिया भाई, नहीं तो और ज़्यादा भींग जाता मैं यहाँ पर। पता नहीं इस नदी का नाम क्या है और ये पुल भाई बचाव का काम कर गया मेरे लिए। यहाँ पे रुकता हूँ जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती, उसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या करना है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। And thanks for watching and keep smiling. Have a nice day. Bye bye and see you in another video.